गाइस मैंने इनको ना हिंदी सिखाया है, ठीक है? से समथिंग अबाउट इंडिया। नमस्ते इंडिया। ये बात। सो गाइस वेलकम टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024। This is the arena, how looks like. ये देखो भाई, इवोस की एंट्री हो रही है, सब लोग बैठ के खेल रहे हैं। क्या ही तो एटमॉस्फेयर है यार। आज से करीब 8-10 साल पहले जब से मैं गेमिंग में अपना करियर बनाने के शुरुआती दौर में था, तब यार सब लोग मुझे ताना देते थे, भाई गेमिंग में क्या रखा है, भाई कब तक गेम खेलेगा, कुछ काम कर पैसे कमा। बट गाइज मैंने अपना पैशन को कभी छोड़ा नहीं। धीरे धीरे गाइज मैं एक गेम में स्टक हो गया। मैंने बहुत सारे गेम्स खेले स्टार्टिंग में, बट गाइज जब मैं फ्री फायर में आया तो इस गेम में ना मैं लाइक लगाव हो गया इस गेम से मुझे। और धीरे धीरे गाइज इस गेम में मैं ग्राइंड करना शुरू किया, अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। उसके बाद गाइज अपने पैशन को मैंने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो गए। बट गाइज यार फिर भी घर वालों को एक मन में रहता है ना, भाई यार गेमिंग ही तो करता है, तो ना उनको मैं बता नहीं पाता था यार कि भाई गेमिंग क्या चीज़ है। मैं चाहता था एक बड़ा सा इवेंट हो ताकि उन लोगों को मैं बता पाऊँ अच्छे से कि ये चीज़ है। इवन ई स्पोर्ट्स होता था फिर भी मेरे घर वालों को वो चीज़ ना समझ में नहीं आता है ना, अपने पेरेंट्स लोगों को कि ई स्पोर्ट्स क्या है। तो मैं सोचता था यार कि कोई वर्ल्ड कप टाइप का कोई चीज़ हो, जैसे कि क्रिकेट में कुछ दिन पहले गाइज हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो भाई क्या पैशन, पूरा देश में क्या जुनून आ गया था, आप लोगों ने देखा होगा मुंबई में क्या भीड़ हो गई थी, सड़कों में क्या लोग उतर गए थे। तो मैं चाहता था यार ई स्पोर्ट्स या फिर गेमिंग का भी कोई एक बड़ा सा वर्ल्ड कप हो। एंड गाइज द वेट इज फाइनली ओवर। आप यहाँ पर मेरा टी शर्ट देख के आप पहचान सकते हो। तो गाइज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया में रियाद में हो रहा है और गाइज मुझे वहां पर आने का इनवाइट मिला है। तो गाइज मैं जाने वाला हूँ सऊदी अरेबिया रियाद पे, जहाँ पर गाइज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हो रहा है और वहाँ पर फ्री फायर का भी वर्ल्ड कप हो रहा है। तो चलो गाइज इस ब्यूटीफुल जर्नी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोगों का आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि यार आपको पता है गाइज मैं कितना स्पोर्ट्स लवर हूँ यार। मेरे पीछे देखो गाइज पर सुनील छेत्री, धोनी, कोहली, रोनाल्डो, अच्छे अच्छे एथलीट के फोटो लगे हुए हैं। तो यू नो दैट गाइज वो फील मन में ही है यार। चलो गाइज कोई बात नहीं, आज हम लोग चलते हैं गेमिंग वर्ल्ड कप, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप पे। आई होप आप लोगों का आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं तो सब्सक्राइब करना। लेट्स गो टू द सऊदी अरेबिया। मैंने अपना पासपोर्ट निकाला और फ्लाइट में बैठ गया। भाई मैं इस हरियाली को काफी ज्यादा मिस करने वाला था। उसके बाद गाइस कुछ ही घंटे के बाद मैं पहुंच चुका था यहाँ पर मुंबई। तुमको क्या लगा मैं अपने सिटी के एयरपोर्ट से सीधा सऊदी अरब चला जाऊंगा? मैं पहुंचा यहाँ पर मुंबई में, जहाँ पर मैं मुंबई एयरपोर्ट में अपने दोस्तों का वेट कर रहा था। और गाइस यहाँ पर हमको दिखा अपना प्यारा सा तिरंगा, जो कि हमारे हर ब्लॉग में दिखता है। उसके बाद हम लोग अंदर गए। उसके बाद गाइस हम लोगों ने यहाँ पर अपना मनी को एक्सचेंज किया। एंड देखो यहाँ पर होता क्या है। सो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पैसे भी एक्सचेंज कर लिए। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड भी हूँ, क्योंकि यार आप लोगों को पता है अभी मेरी शादी हुई है। तो मैं चाहता था कि मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप अपनी वाइफ के साथ कहीं पर मैं घूमने के लिए जाऊं, बट कोई बात नहीं, ये भी अपना काम ही है, हम किसी और दिन चले जाएंगे। या चलो गाइस चलते हैं अभी हम लोग सऊदी अरेबिया की तरफ और देखते हैं कैसा होता है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। गाइस आज है 8 तारीख और आज सुबह हमारा फ्लाइट है। हम पूरी रात एयरपोर्ट में बैठे हैं, कितना एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे। बट यार इंडिगो से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते, बोलो। 67 थी हमारा फ्लाइट था। कभी बोलते भाई ये गेट से वो गेट जाओ, गेट खोजते खोजते भाई आधा घंटा निकल जाता है, फ्लाइट 20 मिनट डिले, बोलते बोलते 3 बार तो मुझे पूछा मैंने, 3 बार ही मुझे बोला गया 20 मिनट डिले, मतलब 1 घंटे डिले ऐसे हो गया। भाई इंडिगो का फ्लाइट 4 घंटे की जगह में 8 घंटे लग गए, क्योंकि 4 घंटे फ्लाइट डिले हो गया। उसके बाद गाइस हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पर रियाद सऊदी अरेबिया। सो गाइस हम लोग अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया रियाद पे। हम एयरपोर्ट के बाहर है, ये देखो एयरपोर्ट यहाँ पर है और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। एंड हमारी गाड़ी आ चुकी है हमको लेने के लिए। अभी हम जाते गाइस अपने होटल में और देखते हैं क्या होता है आज। और गाइस ये था हमारा आज का होटल, जहाँ पर सारे के सारे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर रुक रहे थे, जिसका नाम था हिल्टन रियाद। गाइस अभी हम लोग अपना होटल आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए यार इतना बड़ा होटल है और पूरा का पूरा ई-स्पोर्ट्स वालों ने होटल ही बुक कर लिया है क्या। चलो गाइस अभी अपना रूम जाते हैं, बहुत थक गया यार, ये देखो यार। सो गाइस ये है अपना रूम। चलो अभी आप लोगों को अपना रूम टूर दे देता हूँ, हालांकि मैं इससे पहले ही घुस चुका हूँ। ये है अपना गाइस टॉयलेट एंड बाथरूम, जो कि काफी कूल लग रहा है और रात को मैं यहाँ पर डूबूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हम चलते हैं अपने कमरे के अंदर। एंड दिस इज आवर बेड और टीवी में क्या लिखा है, डियर अमित शर्मा, बहुत कुछ लिखा हुआ है गाइज, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। एंड ये क्या है भाई, अच्छा ये है गाइज अपना ऑफिस रूम, यहाँ पर मैं एडिट उडिट करूँगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड काफ़ी बढ़िया जगह है ये भी। एंड यहाँ पर डेस्क है और अरे भाई इधर क्या है, वेट अ सेकेंड भाई साहब, सऊदी अरेबिया रियाद का काफी सुंदर सा नजारा है। देखो भाई क्या ही तो सुंदर नजारा है यार मेरे खिड़की से बाहर का। नेक्स्ट डे को हम लोग गए यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पर होटल में इतना अच्छा ब्रेकफास्ट था, इतने वेराइटीज थी, भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई कौन सा खाऊं और कौन सा छोड़ूं यार। मन कर रहा था पूरा का पूरा होटल ही खा जाऊं यार। उसी के साथ यहाँ पर गेमिंग रूम, स्ट्रीमिंग रूम एंड यहाँ पर स्टूडियो रूम भी था, जहाँ पर आप लोग अपना हिसाब से स्टूडियो में शूट भी कर सकते हो। सो गाइस आज है डे 2 और आज हम लोग जाने वाले हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के वेन्यू की तरफ। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पर देखो गाइस पुलिस की गाड़ी भी यार कितना कूल लग रहा है ना यहाँ पर।
भाई क्या ही मस्त वेन्यू है, कितना बड़ा जगह है और काफी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये लोग देखो यार, ये देखो क्या ही तो कूल लग रहा है। और पता नहीं गाइस कौन कौन सेलिब्रिटीज है, पूरा कैमरामैन फोटो खींच रहा है उसको, आई डोंट नो कौन है वो। गाइस यहाँ का टेम्परेचर है 40-50 डिग्री पता नहीं कितना है, बट यहाँ पर फैन वैन लगा दिया गया है। देखो गाइस पूरा यह फैन हवा में ना पता नहीं क्या फेंक रहा है, देखो क्या मस्त। ठीक है थोड़ा सा चिल्ड करके रखा गया है। ये देखो गाइस ये है वेन्यू, इसके अंदर है एंड इसके अंदर भी है। ठीक है एंड यहाँ पर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का वो लगाया गया है, लोग फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं। अच्छा वो देखो VNL, अरे फ्री फायर की लेटर मिला है भाई। ये देखो यहाँ पर है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का ट्रॉफी, जहाँ पर नयन फोटो क्लिक करने जा रहा है। ठीक है अच्छा ये क्रिस्टल के साथ बनाया गया, देखो इधर से ट्रॉफी दिख रहा था और सामने गए ना तो यहाँ पर क्रिस्टल ही क्रिस्टल है, देखो इसको लटकाया गया है भाई। वाओ अमेजिंग यार। और ये है गाइस वर्ल्ड कप ट्रॉफी, और अभी हम लोग अंदर जाएंगे और देखते हैं गाइस के अंदर क्या होता है भाई। मतलब बहुत सारे इंडियंस लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नेपाल से भी मुझे मिले यहाँ पर लाइक काम करने के लिए आए होंगे, काफी अच्छा लगा। सो गाइस वेलकम टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024, दिस इज द अरेना हाउ लुक्स लाइक। बहुत सारे अलग अलग जगह है, आई डोंट नो कहाँ पर क्या कुछ है, बट या गाइस ये बस एंट्री है। देखो एंट्री कितना बढ़िया है, अब सोचो पूरा का पूरा अरेना कितना बड़ा हो गया यार। ये देखो मस्त तरीके से बनाया गया है। सो गाइस यहाँ पर देखो कि ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट यहाँ पर कैसे किया जा रहा है। ठीक है अभी है मोबाइल लेजेंड बैंग बैंग का वर्ल्ड सीरीज का फाइनल, एंड ये देखो गाइस यहाँ पर आप आके बैठ सकते हो। और यहाँ पर देखो इस शीशे के पीछे ना प्लेयर बैठे हैं और सामने हम लोग को फेस कैम दिख रहा है, जो कि इसके अंदर लोग बैठे हैं, चार लोग आप लोग दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है ये देखो, ठीक है एंड ये देखो कुछ ऐसा है, यहाँ पर स्टेज है और काफ़ी मस्त एटमोसफियर है। और शायद से कल गाइस फ्री फायर का लैन इवेंट है यहाँ पर, तो हम लोग वो भी देखेंगे, कल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई, मस्त जगह है यार। गाइस मैंने आप लोगों को जितना कुछ दिखाया, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोला है ब्लॉग पे, वो सिर्फ विजिटर एरिया के लिए यार, मतलब कि वहाँ पर विजिटर आके खेल सकते हैं, मजे कर सकते हैं, चिल मार सकते हैं। अपना जो रियल ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चल रहा है वो तो इस बिल्डिंग के अंदर है यार। अभी तक आप लोगों ने जो भी देखा है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, दैट इज़ अ विजिटर एरिया, सिर्फ और सिर्फ विजिटर्स के लिए वो चीज़ है। ठीक है गाइस ये है फ्री फायर वर्ल्ड कप का स्टूडियो, आपको मैं इनसाइड का स्टूडियो टूर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो बहुत कुछ हो रहा है यार, यहाँ पर देखो शूट हो रहा है, कोई कास्टिंग कर रहा है अंदर। ठीक है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ कवर कर रहे हैं एक एक एंगल से, सब कुछ कैमरा एंगल को सेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर अलग अलग गेम्स का अलग अलग अरीना है, और ये जो अरीना है अभी आप पहली बार देख रहे हो, तभी मैंने वहाँ पर बोला ना मोबाइल लेजेंड्स बैंग बैंग का वो वर्ल्ड सीरीज हो रहा है, वो तो रहा है बट वो अरीना नहीं, वहाँ पर ना फैंस ही खेल रहे थे, हेडफोन लगा के मस्त खेल सकते हैं, और दिस इज़ द रियल अरीना। ठीक है ये देखो ये सिर्फ और सिर्फ गाइस मोबाइल लेजेंड बैंग बैंग के लिए बनाया गया है। और ये देखो गाइस ऐसे ही फ्री फायर के कुछ बनाया जाएगा, जो कि कल होगा, आज फ्री फायर का मैच नहीं है कल है, तो कल तो भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई, मैं देखना चाहता हूँ कि फ्री फायर का कैसा होगा, ठीक है क्रेज़ कैसा होगा, लाइक जगह कैसा होगा। ये देखो कुछ ऐसा है, यहाँ पर लोग पता नहीं आ चुके हैं, बट मैच शुरू होने में टाइम बाकी है अभी थोड़े एक दो घंटे। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का, जो भी टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतती है तो वो कैसी होती है। ठीक है ये देखो गाइस ये मेरे सामने है, ये है गाइस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का ट्रॉफी, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है ना, देखो सोने का है क्या पता नहीं यार, बट यार काफ़ी कूल लग रहा है गाइस, ये पूरा का पूरा सोने का है। ठीक है सो गाइस बेसिकली अभी मैं अपने वर्ल्ड सीरीज के गोल्ड वाले ट्रॉफी के सामने खड़ा हूँ। ये देखो भाई ये पूरा का पूरा सोने का है यार, मतलब यहाँ पर ना गाइस जो टीम जीतती है उसको तो सोना मिल रहा है, जो हारती है ना उसको भी अपने हिस्से का सोना खोना पड़ रहा है, वहाँ पर क्रश करके रखा गया है भाई। वेलकम टू साउथ यार। सो गाइस यहाँ पर डोटा का लेन इवेंट कल होगा शायद से, आज तो बस एम्प्टी स्टेडियम है, आप देखें अरीना पूरा एम्प्टी है। सो गाइस ये है फ्री फायर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का अरीना, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ के खेलने वाले हैं, जो कि 12 टीम से 48 प्लेयर्स है, तो थोड़ा सा इस टाइप का होगा, आपको पता है मोबाइल गेमिंग का ही होता है, बाकी जो भी फोन गेम्स है इसी का होगा, इसी टाइप का होगा अरीना। और ये देखो यार, सो गाइस द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, हम आ चुके हैं यहाँ पर फ्री फायर ई स्पोर्ट्स के लेन इवेंट के अरीना में, जहाँ पर क्या ही मस्त एनवायरनमेंट है, क्या ही मस्त एटमॉस्फेयर है। ये देखो गाइस यहाँ पर गाइस पूरी की पूरी 12 टीम्स बैठ के कल लेन इवेंट खेलने वाली है, आई डोंट नो कौन जीतेगा, बट या गाइस यार मैं चाहता हूँ फ्री फायर ऑफिशियल तुम लोग देख रहे हो आई नो यहाँ पर ब्लॉग को, आई वॉन्ट कि यार नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी इवेंट हो, तो वर्ल्ड कप है नेक्स्ट टाइम, इंडिया में ही सही या फिर इंडिया के बाहर ही सही, मैं चाहता हूँ फ्री फायर का यार कोई टीम जाए, आई होप फ्री फायर इंडिया काफ़ी जल्द वापस आ जाए, ई स्पोर्ट्स जल्द से वापस आ जाए यार, हम भी लाइक बहुत उत्साहित है। एक ऐसा वाइब है ना गाइज जो आप लोग अरीना में आके ही फील कर पाओगे। लास्ट टाइम गाइज हम लोगों ने इंडोनेशिया में इंडिया की दो टीम्स ने लेन इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, हम लोग हार गए थे, बट यार वो एक एटमोसफियर वो वाइब जिसने इंडिया में एक चिंगारी पकड़ी थी। और ये देखो गाइज कितना बढ़िया, तो अभी तो भाई कितना फ्री फायर कितना आगे आ चुका है यार,
मुझे लगता है गाइस फ्री फायर इंडिया में अभी जो प्लेयर्स है मोबाइल स्पोर्ट्स में वो उस लेवल पे है अभी जो लाइक वर्ल्ड सीरीज या फिर वर्ल्ड कप में मचा सकते हैं। आई विश काफ़ी जल्द फ्री फायर इंडिया में आ जाए। सो गाइस अभी मैं यहाँ पर ऊपर आ चुका हूँ अरेना में जहाँ पर फ्री फायर प्लेयर कल बैठ के खेलने वाले हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा है। यहाँ पर देखो गाइस एक टीम पूरी तरीके से चार बंदे यहाँ पर बैठ के खेलते हैं और ये देखो मैं आप लोग समझाता हूँ, ठीक है। इसमें चेयर भी नहीं है तो ये लोग हेडफोन पहनेंगे मस्त। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल है, अपना टीम का ऑडियो, अपना साउंड, गेम का साउंड यहाँ पर चेयर में बैठेंगे एंड यहाँ पर कैमरा है दिखाने के लिए। तो या काफ़ी बढ़िया एटमॉस्फेयर है और यहाँ से नीचे का व्यू ऐसा आएगा, देख रहे हो। तो क्या ही तो प्लेयर जो भी लोग यहाँ पर खेल रहे हैं वो कितना नर्वस होंगे, सोचो कितने ज़्यादा क्राउड होगी। हालांकि यहाँ पर आई डोंट थिंक कि सऊदी अरब में इतनी सारी क्राउड होगी जितना इंडिया में या फिर थाईलैंड में या फिर ब्राज़ील में इंडोनेशिया में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया था लास्ट टाइम मैंने बोला ना, वहाँ पर इंडोनेशिया हम लोग गए थे तो भाई वहाँ पर इंडोनेशिया की टीम को सपोर्ट करने के लिए इतने सारे लोग आए थे मैं बता नहीं सकता। बट या ये देखो गाइस ऐसा कुछ व्यू है कल का। कल हम लोग आएंगे, कल यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। भाई मज़ा ही आने वाला है यार कल तो यार। एंड गाइस इंडिया से हमारा पहाड़ी भी आने वाला है बहुत जल्द, तो पहाड़ी आएगा तो गाइस हम लोग यहाँ पर बैठ के वॉच पार्टी करेंगे, देखेंगे, मजे करेंगे, चिल करेंगे। भाई यार मज़ा आने वाला है यार यहाँ से भी स्ट्रीम करने में। सो गाइस आप लोग इस वीडियो में कर दो 100,000 लाइक और मैं यहाँ से लाइव करूँगा, चलो ठीक है। जो भी लोग देख रहे हो सब लोग लाइक करो भाई। ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूम है यहाँ पर देखो, हर रूम में लाइव स्ट्रीम सेटअप रखा गया है। यहाँ पर एक्चुअली वॉच पार्टी किया जाता है बट 100,000 लाइक और मैं यहाँ से लाइव करूँगा। गाइस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हो रहा है सऊदी अरब रियाद में, तो यहाँ पर सोने का ट्रॉफी तो ही है बट उससे भी खतरनाक चीज़ बताऊँ, हम जहाँ बैठे हैं गाइस यहाँ पर ना खेलने के लिए बैठने के लिए सब कुछ रखा गया है एंड दिस इज़ नॉट अ अरीना, दिस इज़ अ मूवी थिएटर गाइस, पूरा का पूरा मूवी थिएटर गाइस यहाँ पर इन लोगों ने क्या ही तो कन्वर्ट कर दिया यार। मतलब समझ रहे हो गाइस सिर्फ बड़ी बड़ी देशों में छोटी मोटी घटना होती रहती है। भाई मैं शौक हो गया भाई, मूवी थिएटर के अंदर मैं हूँ मुझे अभी पता चला। सो गाइस यहाँ पर गेमर्स लोगों के लिए चिलिंग रूम है जहाँ पर आप लोग अलग अलग गेम्स खेल सकते हो। ये देखो अलग अलग गेम्स है, बहुत सारे गेम्स है और यहाँ पर नयन किसी के साथ फीफा खेल रहा है। एक्चुअली वो बंदा हम लोग को मैनेज कर रहा है, हम लोग इधर ले जाना उधर ले जाना ये वो कर रहा है। अभी कुछ खाते हैं, देखते हैं और क्या कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर दूसरे गेमिंग वाले लोकेशन में आ चुके हैं जहाँ पर जो स्पोर्ट्स कार होती है ना, जो फार्मूला F1 टाइप का जो रेस होता है वो वाली रेसिंग यहाँ पर चल रही है। और भाई यहाँ पर ओरिजिनल कार रखा हुआ है यार, ये देखो भाई सब लोग गाइस यहाँ पर कार पे रेसिंग कर रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बट गाइस द बेस्ट थिंग क्या है बता, यहाँ पर कि यहाँ पर ओरिजिनल कार रखा हुआ है, वो देखो यार गाइस ये देखो यार क्या ही तो मस्त कार है यार। और लोग कुछ इस तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से खेल रहे हैं। भाई साहब ये कार मैंने पहली बार देखा लाइफ में यार, कितना बड़ा होता है यार ये। गाइस यहाँ का रात का व्यू आपको मैं बता नहीं सकते यार, कितना बढ़िया है यार। मेरी उंगली फ्रैक्चर है वरना मैं भी करता। और मेरे को लग रहा है हक दिया अमित भाई ने। गेमर में ज़्यादा पावर आता है। सो गाइस कुछ दिन पहले हम लोगों ने फ्री फायर इन रियल लाइफ फ्री फायर के शूट में खेला था बट यहाँ पर VR का शूटर मैच चल रहा है देखो, ठीक है। और गाइस जी हम लोग भी खेलेंगे करीब 2-3 दिन के बाद में क्योंकि यहाँ पर स्लॉट बुक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर बुक किया है। आई होप हम लोग 2-3 दिन बाद आए और खेले, तब तक शायद से गाइस पहाड़ी भी इंडिया से यहाँ पर आ चुका होगा तो काफ़ी मज़ा आने वाला है यार। गाइस इतना कुछ है यहाँ पर, इतना बड़ा अरीना है, बाकी सब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है। बट ये देखो भाई क्या कुछ नहीं है यहाँ पर यार, बहुत कुछ है यार, इतना कुछ है कि मैं बता भी नहीं सकता। यहाँ पर नयन फोटोग्राफी कर रहा है, ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का उधर बैनर लगा हुआ है। तभी हम लोग यहाँ पर उजाले में आए थे, अभी यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और अंधेरा का व्यू देखो। ये जगह में हम तभी गए थे, ठीक है, इस साइड से हम लोग गए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस अमेजन अरीना में जहाँ पर बहुत सारे टी शर्ट्स या फिर ई-स्पोर्ट्स टी शर्ट्स जर्सीज वगैरह मिलते हैं। देखते हैं वहाँ पर कुछ खरीदने लायक है, कुछ मिलता है तो खरीदेंगे और जाएंगे होटल पे रेस्ट करेंगे सो जाएंगे और कल है फ्री फायर का लेन इवेंट, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये देखो लोग घुस गए अंदर यार। भाई दिन और रात में आकाश पताल का फर्क है, दिन में ये एरिया कितना गर्म था और कितना लाइक अलग दिख रहा था और रात को ये एरिया बिल्कुल अलग दिख रहा है, देख रहे हो रात को बिल्कुल। और ये पार्किंग देखो भाई, भाई कितनी गाड़ियाँ हैं मैं बता नहीं सकता यार। ये देखो मतलब वेल ऑर्गेनाइज है, सच बोल दो बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है।
सो गाइज आज है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में फ्री फायर गेम्स की बारी, जहां पर फ्री फायर वर्ल्ड कप हो रहा है और वहां पर बहुत सारे कंट्रीज से 12 टीम्स वहां पर खेलने के लिए आई है। उसी प्रकार से गाइज वहां पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अलग अलग कंट्री से यहां पर गाइज कवर करने के लिए आए हुए हैं, तो काफी मजा आने वाला है। देखते हैं गाइज क्या होता है। और यहां पर मैं रेडी हो चुका हूं, ठीक है भाई। देखिए मेरा आई कार्ड है जहां पर मुझे फुल एक्सेस है वहां पर जाने के लिए, कोई रोकेगा नहीं, तो काफी मजा आने वाला है गाइज। लेट्स गो, देखते हैं वहां पर क्या होता है। इसके बाद हम लोग निकल गए अपने होटल से सीधा का सीधा ई स्पोर्ट्स अरेना की तरफ, जहां पर रास्ता काफी सुंदर है और हम लोग कुछ ही समय बाद पहुंच चुके थे अरेना में। उसके बाद गाइज यहाँ पर क्या ही खतरनाक चेकिंग होती है, और भाई अंदर का नजारा बिल्कुल अलग ही था यार। सो गाइज आज का पहला गेम शुरू होने वाला है और यहाँ पर सारे के सारे ई स्पोर्ट्स टीम्स की एंट्री हो रही है, जो कि आप लोग देखो, ठीक है। ये देखो भाई इवोस की एंट्री हो रही है, सब लोग बैठ के खेल रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग देश के इन्फ्लुएंसर यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। हालांकि हम लोग ऊपर जाके बैठ रहे थे, बट ये देखो क्या ही तो एटमोसफियर है यार, क्या ही तो भाई मजेदार जगह है यार, क्या। इसके बाद गाइस यहाँ पर धीरे धीरे वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाती है। फ्री फायर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का पहला मैच भी कुछ ही समय में शुरू होने वाला है, बट उससे पहले गाइस यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी होती है। सारे प्लेयर्स को यहाँ पर स्वागत किया जाता है, सारे प्लेयर को गाइस गोल्ड का एक प्लेट दिया जाएगा, बट जो विनर होगा वही ले जा पाएगा, बट जो हार जाएगा उन सारा का गोल्ड यहाँ पर क्रश कर दिया जाएगा। मतलब हारने का भी गाइस बलिदान को यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर ट्रॉफी आपके सामने कास्टिंग हो रहा है और गाइज यहाँ पर फाइनली पहला मैच शुरू हो चुका है, जिसको आप लोग गाइज फ्री फायर ई स्पोर्ट्स इंडिया के चैनल में या फिर पहाड़ी यहाँ पर वॉच पार्टी कर रहा होगा, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर पहला मैच शुरू हो चुका है और क्या ही मस्त एनवायरनमेंट है, सारे के सारे लोग फोकस होकर खेल रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं एंड ऊपर अपने को गेम भी मिल रहा है। देखो सब लोग खेल रहे हैं, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप गाइज इसी बड़े स्टेज पे, बड़े प्लेटफॉर्म में हम अपने इंडियन टीम्स को भी काफ़ी जल्द देख पाऊँ। मैं चाहता हूँ यार इतने बड़े स्टेज में वर्ल्ड कप पे या फिर वर्ल्ड सीरीज पे, इंडियन सीरीज पे फ्री फायर स्पोर्ट्स वापस आ जाए। आई रियली होप सो, बाकी मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। बट या गाइज ये देखो बहुत सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं। ये रॉयल सीट है यहाँ पर जो बैठ नहीं सकते, बट उस साइड में लोग हैं। एंड ये देखो, एंड इस साइड देखो अपने लौंडे बैठे हुए हैं। या गाइस सब लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सेकंड ब्लॉग भी आएगा, ठीक है। देखते हैं कौन जीता है फ्री फायर वर्ल्ड कप। सो गाइस यहां पर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के अंदर फ्री फायर वर्ल्ड कप का पहला गेम, 10 बंदे अलाइव है लास्ट जोन में, 3 टीम्स अलाइव है। मॉन्स्टर ट्रक भाई बूम बा, मॉन्स्टर ट्रक का गेम प्ले चल रहा है भाई साहब। मॉन्स्टर ट्रक वाले बंदे भाई क्या हुआ, ये क्या हो गया भाई साहब यहाँ पर कौन जीत गई रे, पता भी नहीं चला मुझे तो, बट वो टीम गाइस काफी ज्यादा खुश है, ये टीम जीती है। आरआर क्यों ने जीत गया, अबे लेट्स गो गाइस। पहला गेम लास्ट जोन में मॉन्स्टर ट्रक ने धूम मचा दिया, क्या ही तो जबरदस्त गेम हुआ। देखते हैं अभी बहुत सारे गेम बाकी है और भाई 2-4 दिन और बाकी है भाई, एक मैच ही बस इन लोगों ने जीता है आरआर क्यों ने, बट कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है यार। भाई क्या मैच चल रहा है यार, यही तो मैच हुआ भाई। लास्ट जोन में ना मॉन्स्टर ट्रक लाना एकदम कॉमन हो चुका है यार। सो गाइस अभी थोड़ा देर गैप हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर खाने की जगह में आ चुके हैं। यहाँ पर कॉफी वॉफी स्नैक्स हम लोग गाइस कुछ ले लिया है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं अभी यहाँ पर थोड़ा गेम हम खेलते हैं अंदर, एंड थोड़ी देर बाद अल्पाइन मैप शुरू हो जाएगा, हम वो भी देखेंगे। आज पूरा का पूरा दिन हम लोग यहाँ पर स्टे करेंगे एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे होटल पे, और कल भी मैच है, परसों भी मैच है और फाइनल है 14 तारीख को। तो देखते हैं गाइस फ्री फायर का वर्ल्ड सीरीज़ का फाइनल कौन जीता है। और जो भी लोग गाइस आप लोग वर्ल्ड सीरीज़ को सॉरी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हो, आप लोग कमेंट में बताओ चलो कौन जीतेगा इस बार का ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का, फ्री फायर वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, चलो कमेंट में बताओ, मुझे जानना है, देखते हैं, ठीक है। मुझे भी जानना है ना तुम लोग ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हो, फ्री फायर वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हो यार। मैं तो ये देखा ये रूम था कल, यहाँ पर नया वीडियो बना रहा था, यहाँ पर हम लोग गेम हम खेल सकते हैं, तो काफ़ी मस्त जगह है यार। अभी हम जाते हैं एंड देखते हैं गाइस क्या होता है, थोड़ा सा खा भी लेते हैं, भूख भी लग रहा है ना गाइस। $60 मिलियन ऐसे ही थोड़े ना लगे हैं, क्या ही तो बनाया है भाई, क्या ही तो जन्नत बनाया है। ये देखो भाई पूरा का पूरा अरीना है, कितना बड़ा है बता भी नहीं सकता, पता है भाई साहब क्या ही तो मस्त एनवायरमेंट यार भाई। 40-50 डिग्री सेल्सियस है बट यहाँ पर ना ऐसे पंखे लगे हुए हैं, तो काफ़ी कूल लग रहा है। और गाइस ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का ट्रॉफी है, और गाइस यहाँ पर ट्रॉफी का अलग ही रूल है पता है, मतलब सबको सोने का ट्रॉफी दिया जाएगा, इतना बड़ा बड़ा बिस्किट दिया जाएगा, उसका ना एक बड़ा सा कर्व निकाल के जो जीतता है उसको एक बोर्ड में चिपकाया जाएगा, एंड उसके बाद में ना जो छोटा टुकड़ा है वो तुम्हारे प्लेट वाला जो कप है उसके अंदर डाला जाएगा। सो गाइस हमारे साथ है अभी यहाँ पर ब्राज़ील के वन ऑफ द फेमस स्ट्रीमर्स एंड वर्ल्ड चैंपियन, राइट, यू वर्ल्ड चैंपियन व्हेन यू आर इन कोरिंटियंस,
Boring chess. Yeah, you won. Yes, yes, yes. Guys, मैंने इनको ना हिंदी सिखाया है, ठीक है? Say something about India. India. Namaste, India. ये बात. चलो guys, चलो like करो, subscribe करो. Thank you guys. So guys, इसी के साथ पहला दिन का eSports World Cup का Free Fire का मैच समाप्त होता है. और आज का ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका होगा. तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो. और गाइस, काफ़ी मस्त मस्त ब्लॉग्स और अमित शर्मा चैनल पे भी और देसी कमर चैनल में आने वाले हैं. और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ पर गाइस क्रेजी क्रेजी रील्स भी अपलोड करने वाला हूँ. भाई देखो गाइस, जाने से पहले देख लो इस बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है? ये देखो क्या ही तो मस्त नज़ारा है यार. तो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए सभी को बाय बाय.